नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत हैं राजू भारती जी। बहुत अच्छे गायक भी हैं लेकिन बहुत अच्छे बहुजन समाज के कार्यकर्ता भी हैं। राजू जी, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी मैं बहुत आभार करता हूँ। राजू जी की मैं खासियत बता दूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन और पूरा सारा उन्होंने कसम खाई है कि मैं बहुजन समाज की सेवा में ही रहूँगा। लेकिन एक बात बताइए, 2019 के इलेक्शन नज़दीक हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो वोटिंग और जो रिजल्ट आने थे वो सामने आ चुके हैं, तो 2019 के अंदर कहाँ देखते हैं आप बहन कुमारी मायावती की सरकार को, वो मेरे को बताएं। देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, मेरा थोड़ा सा लंबा सवाल का जवाब है क्योंकि मेरा मकसद है कि जड़ से हम लोगों को देखना पड़ेगा। यस, इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस देश के भारतीय संविधान के रचयिता निर्माता हैं, और उन्होंने जो आंदोलन इस देश के पढ़े लिखे लोगों को सौंपा, उन पढ़े लिखे लोगों में मसीहा साहब कांशीराम जी ने उनके 18 मार्च 1956 के भाषण को सुना और सुना, वीडियो देखा, उनकी लिखी हुई ग्रंथों को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वीडियो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ के एक पढ़े लिखे अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़कर, वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर, जीवन भर शादी ना करने का संकल्प अगर वो लेते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मसीहा कांशीराम ने इतने बड़े कठिन अगर संकल्प लिए हैं, और ऐसे मसीहा कांशीराम जी ने अपने आंदोलन की उत्तराधिकारी अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया है, तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि उनके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो स्वयं मानवर साहब कांशीराम जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। बहन जी में कितनी योग्यता रही होगी कि लाखों लोग कांशीराम जी के पास थे, लेकिन बहन जी कितनी साहस से भरी हुई हैं, कितना उनके अंदर विल पावर है कि बहन जी को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आदरणीय बहन जी को ही उत्तराधिकारी बनाया, आदरणीय बहन जी को ही बहुजन समाज का नेता बनाया। तो मैं ये चाहता हूँ इस मौके पर आपकी टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कम आंकना ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं वो दिन जानता हूँ, मैं जब छोटा था, हमारे पिताजी हमारे बहुजन समाज के नेता मुझे बताते थे कि उस समय एक वोट से, मात्र एक वोट से इस देश के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी और मानवर साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को एक वोट से हरा दिया था। अभी आप देखिए कुदरत का करिश्मा, मध्य प्रदेश में 2 सीट बहुजन समाज पार्टी की, जब तक कांग्रेस में नहीं गए, जब तक समर्थन नहीं दिया बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक सरकार नहीं बनी थी। तो मैं ये कहता हूँ कि 2019 में बहन जी को हम कहाँ देखते हैं, हम तो वहीं देखते हैं जहाँ से अब तक देखते आए हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो 21वीं सदी का जो सपना है, भारत का मूल निवासी, भारत का बहुजन समाज, भारत का मूल निवासी ही भारत का शासक बनेगा, तो राजू भारती और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा आज भी बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उस लाल किले से बहन जी का ऐतिहासिक भाषण हो, उसको देखना चाहते हैं। तो उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 राज्यों में चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही। देखिए, लोकसभा का चुनाव और बहुजन समाज पार्टी जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जो है स्थानीय मुद्दों को लेके होता है, एक बड़ा एक केंद्र का शासन होता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें कुछ मुद्दे अलग होते हैं। आज बहन जी के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को हटाकर कोई प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो वो आदरणीय बहन जी हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हों, चाहे राजनीतिक दल हों, वो लगातार बहन जी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगते हैं। अभी आप देखिए इस चुनाव के बाद से जितने भी बड़े बड़े जो थर्ड फ्रंट बनाया गया है, जो तीसरा मोर्चा बनाया गया, वो हों चाहे राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में बहन जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी एक साथ दिखाई दिया, और उनने समझौते की जहाँ तक बात आई थी तो मध्य प्रदेश में समझौता ना करके बहुजन
बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई और कांग्रेस को सिसक सिसक के सरकार बनाने को मजबूर हुआ। आखिर में बहुजन समाज पार्टी की जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो गई, जब तक आदरणीय बहन जी ने ये नहीं कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मेरे 2 MLA हैं, मेरे 2 विधायक हैं, दोनों कांग्रेस के साथ जाएंगे, जब जाके कांग्रेस के उनको 2 की ज़रूरत थी और 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीते और उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार बनने में सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। तो 2019 में आदरणीय बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अगर अभी 100% काम किया तो हम 200% करेंगे, 200 भी कम पड़ेगा तो हमारे जैसे युवा 500,000% करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना कांशीराम साहब के सपने को साकार करना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना इस देश के भारतीय संविधान को बचाना है। इसलिए जो SC ST एक्ट की घटनाएं हुई, चाहे वो किसी भी प्रकार के मुद्दे इस देश के अंदर हुए हैं, उन मुद्दों पे अगर कोई बोलता है, कोई बहुजन समाज का हितेशी है इस देश के अंदर, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और निश्चित रूप से देखिएगा आप, पूरे देश की ताकत लग जाएगी, पूरे देश के जो संगठन है, सामाजिक संगठन बहुजन समाज के, वो लग जाएंगे, बहुजन मीडिया लग जाएगा और बहन जी निश्चित रूप में कैसे भी करके देखिएगा, बहन जी ही भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी 2019 में। आपने बहुत अच्छे से बताया राजू भाई कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती बनेंगी, क्योंकि वो डिजर्विंग भी करती हैं मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है जो 85% के लोगों की जनता की आज जो उत्सुक होके बहन कुमारी मायावती की तरफ देखते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। जी मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करूँ, उससे पहले मैं आपको एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी का सपना देखने वाले कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी के जो नारे लगते हैं इस देश के अंदर यूथ लगा रहा है, तो उस पर मैं एक कविता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है, अभी तक हमें आज़ादी का मकसद समझ में यूथ को आना चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर आज़ादी का मकसद समझ में अगर आज युवाओं को आ जाए, तो मैं समझूँगा आपके चैनल पर जो इंटरव्यू हुआ है वो सक्सेस होगा मेरा। तो इसमें मैं आपके बीच में एक कविता रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है, जातिवाद के कारण अब भी मानव की बर्बादी है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, पहली आज़ादी पाई जब गोरों से। आप मेरी आज़ादी का मकसद समझना, मैं ये कहना चाहता हूँ ये तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो, लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो, बहुजनों अब कर लो कब्जा जो दिल्ली की गादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है। तो मेरे यूथ जो बहुजन समाज का यूथ सुन रहा है, हम जैसे कलाकारों को जो कलम के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत कविता के माध्यम से आप तक जो अम्बेडकर बात पनपाने की कोशिश की जा रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना साकार करने के लिए आज पूरे देश में कांशीराम जी के त्याग को समझते हुए जो द ग्रेट लीडर फिल्म बन रही है, मेरे जैसे लोग जो जीवन अर्पण करके हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे रहस्य है। रहस्य यह है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में है, जिन अधिकारों के लिए हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों ने पूरा जीवन लगा दिया है। तो ऐ मेरे नौजवान भाइयों, इस कविता का ये महत्व है कि ये तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई है इसमें आप पीछे मत रहना, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का कहीं चौराहे पर सम्मान होने वाला नहीं है। हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत है कि आज हम लोग इतना मान सम्मान से जी रहे हैं, और आज हम संघर्ष करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को मान सम्मान मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने मुझे समय निकाल के सुना है, और SM न्यूज़ का मैं बहुत आभार करता हूं उनकी पूरी टीम का कि मुझे आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया, गुप्तगु हुई आपसे, आपका खूब खूब आभार, मंगल कामनाओं सहित धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।